बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर हसन मेओ, आप देख रहे हैं मेओ फूड रेसिपी। आज हम बना रहे हैं नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही मशहूर रेसिपी है, बीफ बिहारी बोटी रेसिपी। ये फ्राई पैन में बनाएंगे हम। बीफ बिहारी बोटी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बीफ का बोनलेस लिया है, छोटी छोटी बोटी बना ली है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पपीता पेस्ट है हमारे पास, ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 250 ग्राम दही है नाजरीन। झटपट ही तैयार होने वाली रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम रेसिपी सिखाएंगे ये। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक, और इसमें शामिल करेंगे हम ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स है जो हमारे पास, 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे नाज़रीन हम मसाले को। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रेवी वाली बिहारी बोटी बनेगी। आज इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर, उसको मिला लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर की वजह से बोटी ब्लैक नहीं होगी, ये गोल्डन शेप में आएगी ये बोटी। जैसे नाज़रीन आप देख सकते हैं मसाले को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। इसको 1 घंटा फ्रीज़र करेंगे ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। अंदर 1 घंटे बाद इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे नाज़रीन आप देख सकते हैं 1 घंटे के लिए इसको हमने मैरिनेशन के लिए इसको फ्रीज़र करा था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे हम और ये ऑयल डालेंगे 1/2 कप। इसमें नाज़रीन ऑयल गर्म हो चुका है। बीफ बिहारी बोटी इसको अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे नाज़रीन। दो से तीन मिनट की बुनाई करेंगे इस तरह, फिर इसको हम 8 से 10 मिनट दम पे पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जय नाज़रीन आप देख सकते हैं गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें तकरीबन 1/2 गिलास हम पानी डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। माशाल्लाह जैसे नाज़रीन आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, इसमें मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे हम हाई फ्लेम पे। बिहारी मसाला बोटी और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बिहारी मसाला बोटी नाज़रीन रेडी है। फ्लेम को बंद कर देंगे हम, उसको हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप बिहारी मसाला बोटी रेडी है। आप देख सकते हैं ये मसाला देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखो रेशा इसका अलग हो रहा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इस पर गार्निशिंग करेंगे धनिए की।
सो गाइज, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।